दोस्तों इंग्लिश से जुड़े कुछ वर्ड जो इस प्रकार हैं, विजेट टू बी। दोस्तों विजेट टू बी का हिंदी मतलब होता है हुआ करता था। दोस्तों जब भी आप अपने घर जाते हैं तो दोस्तों आप पूछते हैं कि यहाँ पर एक मकान था, तो दोस्तों वहाँ बोलता है कि यहाँ पर मकान हुआ करता था, अब वो मकान नहीं रहा। दोस्तों नेक्स्ट है विल बी गोइंग टू, दोस्तों जिसका हिंदी मतलब होता है वहाँ जाएगा। दोस्तों जब आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा या लाइब्रेरी जाएगा, तो दोस्तों इस प्रकार के पूछना विल बी गोइंग टू कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट है बी सेफ, दोस्तों बी सेफ का हिंदी मतलब होता है सुरक्षित रहना। दोस्तों जब भी आप रोड पर चलते हैं तो दोस्तों कुछ ट्रैफिक रूल मान के आप रोड पर काफ़ी सुरक्षित हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है ग्रूम टू बी, दोस्तों ग्रूम टू बी का हिंदी मतलब होता है मंगेतर। दोस्तों जब कोई लड़की लड़का से शादी करता है तो दोस्तों शादी से पहले उस लड़का को मंगेतर बोला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है मे बी, दोस्तों मे बी का हिंदी मतलब होता है शायद। दोस्तों आपको मालूम नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ दोस्तों मे बी का यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है बी बोल्ड, दोस्तों बी बोल्ड का हिंदी मतलब होता है साहसिक बनो। दोस्तों आपके ऊपर किसी प्रकार कोई मुसीबत या किसी प्रकार के दुख हो जाता है तो दोस्तों आपको उसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत बांध के उस पर उस मुसीबत से लड़ना चाहिए, तब वहाँ जाके आप साहसिक बनते हैं। तो दोस्तों वहाँ हम बी बोल्ड का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में समाप्त करते हैं, धन्यवाद।